भारत भूमि पर सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। हर क्रांतिकारी ने अपने अपने तरीके से लड़कर देश को आज़ादी दिलाई है। कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने हथियार के दम पर अंग्रेजी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, तो कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी कलम के दम पर अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल सिंह। वे एक सन्यासी क्रांतिकारी थे जो जब तक जिए हमेशा अंग्रेजों की आंख का कांटा बने रहे। उनको दुनिया भर में मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 2 स्कॉलरशिप मिली थी। वे सिविल सर्विसेज की नौकरी ठुकराकर सारे ऐशो आराम छोड़कर देश को आज़ाद कराने के अभियान में शामिल हो गए थे। आज़ादी की लड़ाई में लाला हरदयाल सिंह ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपना राज स्वराज। लाला हरदयाल सिंह का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भोली रानी था। उनके पिता का नाम गोरी दयाल माथुर था जो उर्दू तथा फारसी के पंडित थे और दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रीडर के पद पर कार्यरत थे। बहुत कम उम्र में आर्य समाज से प्रभावित हो चुके लाला हरदयाल सिंह जी ने अपने पिता से कई जुबान का ज्ञान हासिल किया और आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल से हासिल की। इसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में स्नातक किया और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से संस्कृत में ही एमए किया। पढ़ाई के प्रति उनके लगाव को देखकर सरकार की ओर से उन्हें 200 पौंड की छात्रवृत्ति दी गई। लाला हरदयाल सिंह उस छात्रवृत्ति के सहारे आगे पढ़ने के लिए लंदन चले गए और सन 1905 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने 2 छात्रवृत्तियां और प्राप्त की। जिस समय वे दिल्ली में रह रहे थे उस समय वे मास्टर अमीरचंद की गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन चुके थे। उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहते थे जिन्होंने देशभक्ति का प्रचार करने के लिए लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की हुई थी। वहीं पर लाला हरदयाल सिंह भिकाजी कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों से जुड़े। देश की आज़ादी को लेकर उनके तेवर शुरुआत से ही साफ और सख्त थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही 1907 में उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट मैगजीन में अंग्रेजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए एक तीखा लेख लिख दिया था। उसी वक्त उन्हें ICS का पद ऑफर हुआ था। इतिहास के अध्ययन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पाप समझकर उन्होंने टू हेल विद द ICS यानी भाड़ में जाए ICS कहते हुए ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप तक छोड़ दी थी और लंदन में देशभक्त समाज स्थापित कर असहयोग आंदोलन का प्रचार करने लगे, जिसका विचार गांधी जी को काफी देर बाद सन 1920 में आया। भारत को स्वतंत्र करने के लिए लाला जी की यह योजना थी कि जनता में राष्ट्रीय भावना जगाने के पश्चात पहले सरकार की कड़ी आलोचना की जाए, फिर युद्ध की तैयारी की जाए, तभी किसी ठोस परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा आज़ादी कतई संभव नहीं है। अल्लामा इकबाल प्रोफेसर थे जो वहां दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। उसी समय लाला हरदयाल वहां से संस्कृत में MA कर रहे थे। उन दिनों लाहौर में नौजवानों के मनोरंजन के लिए एक ही क्लब हुआ करता था जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसे YMCA के नाम से भी जाना जाता था। किसी बात को लेकर लाला हरदयाल सिंह की क्लब के सचिव से बहस हो गई। बात हिंदुस्तान की इज्जत की थी। लाला जी ने आओ देखा न ताओ फौरन ही YMCA के समांतर यंग मैन इंडिया एसोसिएशन यानी YMIA की स्थापना कर डाली। जब लाला जी ने प्रोफेसर इकबाल को सारा माजरा बताया और उनसे एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने को कहा तो वो तैयार हो गए। इस समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा तरन्नुम में सुनाई थी। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि किसी समारोह के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण के स्थान पर कोई तराना गाया हो। इसमें छोटी लेकिन जोश भरी रचना का श्रोताओं पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इकबाल को
समारोह के आरंभ और समापन दोनों ही अवसरों पर ये गीत सुनाना पड़ा। कुछ दिनों विदेश में रहने के बाद 1907 में वे भारत वापस लौट आए और पुणे जाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से और लाहौर में लाला लाजपत राय से मिले। लेकिन अब वो अंग्रेजी सरकार की नजरों में आ चुके थे। अंग्रेज सरकार उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगी थी। लाला हरदयाल पटियाला दिल्ली होते हुए लाहौर पहुंचे और पंजाब नामक अंग्रेजी अखबार के संपादक बन गए। भारत में उनका ये कड़े तेवरों वाला लेखन जारी रहा। उनके आग्नेय प्रवचनों को पढ़कर विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी नौकरियां। भयभीत अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की योजना में जुट गई, लेकिन लाला लाजपत राय को किसी तरह इसकी भनक लग गई। लाला लाजपत राय जानते थे कि काला पानी जैसी सजा लाला हरदयाल सिंह के इरादे तोड़ सकती है, जैसे कि बाद में वीर सावरकर के साथ हुआ था। उन्होंने लाला हरदयाल सिंह को सलाह दी कि आप तुरंत देश छोड़ दीजिए, ये क्रांतिकारी लेखन विदेश की धरती से करोगे तो अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लाला हरदयाल ने लाला लाजपत राय की बात मानकर भारत छोड़ दिया और 1909 में वो पेरिस जा पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने जिनेवा से निकलने वाली पत्रिका वंदे मातरम का संपादन शुरू कर दिया। ये मैगजीन दुनिया भर में बिखरे भारतीय क्रांतिकारियों के बीच क्रांति की अलख जगाने का काम करती थी। हरदयाल के लेखों ने उनके अंदर आज़ादी की आग जला दी। लाला हरदयाल ने पेरिस को अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा था, किंतु वहां पर इनके रहने खाने का प्रबंध प्रवासी भारतीय देशभक्त न कर सके। विवश होकर वे 1910 में पहले अल्जीरिया गए, बाद में एकांतवास हेतु एक अन्य स्थान खोज लिया और लामार्तनीक द्वीप में जाकर महात्मा बुद्ध के समान तप करने लगे, परंतु वहां भी अधिक दिनों तक न रह सके और भाई परमानंद के अनुरोध पर हिंदी संस्कृति के प्रचार के लिए अमेरिका चले गए। तत्पश्चात होनोलुलु के तट पर एक गुफा में रहकर आदि शंकराचार्य कांट हीगल व कार्ल मार्क्स आदि का अध्ययन करने लगे। भाई परमानंद के कहने पर इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन पर कई व्याख्यान दिए। अमेरिकी बुद्धिजीवी इन्हें हिंदू संत ऋषि एवं स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे। 1912 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन तथा संस्कृत के ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहीं रहते हुए उन्होंने गदर पत्रिका निकालनी प्रारंभ की। पत्रिका ने अपना रंग दिखाना शुरू ही किया था कि जर्मनी और इंग्लैंड में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लाला जी ने विदेश में रह रहे सिखों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वे स्थान स्थान पर जाकर प्रवासी भारतीय सिखों में ओजस्वी व्याख्यान दिया करते थे। उनके उन व्याख्यानों के प्रभाव से ही लगभग 10,000 पंजाबी सिख भारत लौटे। कितने ही रास्ते में गोली से उड़ा दिए गए। जिन्होंने भी विप्लव मचाया वे सूली पर चढ़ा दिए गए। लाला हरदयाल ने इधर अमेरिका में और भाई परमानंद ने इधर भारत में क्रांति की अग्नि को प्रचंड किया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि दोनों ही भाई गिरफ्तार कर लिए गए थे। भाई परमानंद को पहले फांसी का दंड सुनाया गया, बाद में उसे काला पानी की सजा में बदल दिया गया। परंतु लाला हरदयाल सिंह अपने बुद्धि कौशल्य से अचानक स्विट्जरलैंड खिसक गए और जर्मनी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र करने के यत्न करने लगे। महायुद्ध के उत्तर भाग में जब जर्मनी हारने लगा तो लाला जी वहां से चुपचाप स्वीडन चले गए। उन्होंने वहां की भाषा आनन फानन में सीख ली और स्विस भाषा में ही इतिहास संगीत दर्शन आदि पर व्याख्यान देने लगे। उस समय तक वे विश्व की 13 भाषाएं पूरी तरह सीख चुके थे। 10 साल से ज्यादा स्वीडन में रहने के बाद 1927 में लाला हरदयाल सिंह उसी लंदन में पहुंच गए, जहां से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई थी। यहां उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी के बाद वह लंदन में ही रहने लगे। उन्होंने धर्म शिक्षा मानवता और अपने क्रांतिकारी अनुभव पर कई किताबें लिखी। विदेश में रहते हुए लाला हरदयाल सिंह को भारत में लाने के लिए कई कोशिशें हुई,
लेकिन अंग्रेजी सरकार उनके आगमन से डरती थी। इस वजह से लाला हरदयाल सिंह को भारत आने की कभी इजाजत नहीं दी गई। अंततः 1938 में सरकार से इजाजत मिलने के बाद हरदयाल सिंह को भारत लाने की तैयारी होने लगी। लंदन से अमेरिका होते हुए उन्होंने भारत आना था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में उन्हें एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। 4 मार्च 1938 को उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और भाषण भी दिया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद 4 मार्च 1938 को ही रहस्यमय तरीके से 54 साल की उम्र में लाला हरदयाल सिंह की मौत हो गई। मौत से पहले वह बिल्कुल स्वस्थ थे। माना जाता है कि लाला हरदयाल सिंह की मौत एक बड़ी साजिश थी। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें भारत आने की इजाजत दी और फिर उनके फिलाडेल्फिया जाने का इंतजार किया। फिलाडेल्फिया में उन्हें जहर देकर मार दिया गया। लाला हरदयाल सिंह की मौत का कारण पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की गई, इसलिए उनकी मौत की हकीकत कभी सामने नहीं आ पाई।